रजिया सुल्ताना जी ने इस्तीफा दे दिया है, सुनिए जरा। आप समझ लीजिए रजिया सुल्ताना कौन है। रजिया सुल्ताना वो हैं जो सिद्धू के सहायक की पत्नी हैं। सिद्धू के जो सहायक हैं उनकी पत्नी है ये। इनके लिए सिद्धू ने कहा था और इनको कैबिनेट में जगह मिल गई थी, लेकिन अब क्योंकि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है तो जाहिर है उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हुए रजिया सुल्ताना को भी ये करना था, ये इनेविटेबल था और ये हुआ। लेकिन इस पर अब मैं जरा आगे राय लेने के लिए जाना चाहता हूं। तो आप ये कह रहे थे बदेश साहब कि हालात यहां खराब थे, कुछ भी किया हुआ कहा हुआ किया नहीं कांग्रेस ने और केवल एक पावर स्ट्रगल चलता रहा, यहां तक कि सिद्धू भी भला नहीं करना चाहते थे, तो सवाल यह है कि आपने उनको ग्लोरीफाई क्यों किया जैसा वो दावा करते हैं। सर हमने उनको ग्लोरीफाई नहीं किया। ये सिद्धू साहब मानते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के काम अच्छे हैं, वो जगह जगह वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारे यूथ रीच करते हैं। हमारे रीच तो सारे देश में कर रहे हैं, हम न्यू पॉलिटिक्स जैसे हम राजनीति बदलने के लिए आए। तो जैसे ये दो तीन चीजें देखिए इंटरेस्टिंग है, कन्हैया कुमार जी थे सिद्धू साहब से बातें बड़ी बड़ी और एंड ऑफ डे जाके कुछ भी ना। अब वो कन्हैया कुमार जी की जिस पार्टी की सबसे ज्यादा आलोचना कर रहे थे ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड दिस दैट ऑल दैट और सब उन्हीं में शामिल हो गए जाके। तो ऐसे जो नेता हैं हम ये है कि अगर आपके मन में कुछ करने की वो हो तो आप करते हो, नहीं तो बातें बातें रह। सिद्धू साहब बिजली के मंत्री थे, पंजाब सबसे देश में सबसे महंगी बिजली ले रहे थे, क्या किया बिजली बिजली के मुद्दे पे। बात बताइए आप बदेश साहब कि अगर वो आम आदमी पार्टी में आने का मन बनाते हैं तो आपके दरवाजे खुले हैं कि बंद। सर हमारे लिए तो हर वो व्यक्ति जो पंजाब को बचाना चाहता है। नहीं नहीं सिद्धू दरवाजे खुले रहेंगे, वो व्यक्ति नहीं, सिद्धू जी अगर आना चाहते हैं आम आदमी पार्टी अकोमोडेट करेगी उनको नहीं करेगी। सर देखिए हम मेरे तो फिर वही राय है ना कि जो भी इंसान पंजाब के लिए दिल में दर्द रखता है, अगर उनके दिल में दर्द है कि जैसे जब तक उनको कांग्रेस में उनका जो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद आप गरम आलू समझते हैं जिसको हाथ में पकड़ना मुश्किल होता है, उस तरह का कुछ सिचुएशन आपको समझ में आ रही है या आपको लगता है नहीं नहीं विल बी एबल टू हैंडल और हमारे लिए असेट साबित होंगे इन केस। मैं इस सिनेरियो में पूछ रहा हूं आपसे। सर इसमें ये है कि हर वो व्यक्ति जो हमारी पार्टी के विधान को मांगता है, हमारी पार्टी के पॉलिसी को अच्छा समझता है, जो ये मानता है कि हमारी पार्टी अच्छे के लिए काम कर रही है, देश की राजनीति को सुधारने के लिए काम कर रही है, अगर वो आता था बशर्ते कि उसका करेक्टर केस या इन जो है गलत बातों से तलक ना हो तो हमारे लिए वेलकम है कि वो एक रिकॉर्ड बचता है। वो रिकॉर्ड मैंने कोशिश की लेकिन वो उसी तरीके से आया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।